यहाँ पे जो एफ एक्स इज ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ये आपकी एक सीरीज है, ठीक है। इसको हम फोरियर सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में आपके कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों तरीके के फंक्शन एक्सपेंड हो जाते हैं, तो इस सीरीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ये है कि नोट में ये जो पहला और दूसरा फार्मूला है, यानी साइन एन पाई जीरो होता है, कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस वन की पावर एन होती है, तो ये दोनों फार्मूले ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले जो लिखे हैं वो आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं ये वैल्यूज, लेकिन अगर ये डायरेक्ट आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे आप इसको वहां पे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन में ही निकालते हैं। तो आप ये फार्मूला ध्यान रखिए और नोट के दोनों फार्मूले, बस आप एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। सर इस सीरीज की प्रूविंग नहीं है? नहीं प्रूविंग नहीं, प्रूविंग होती तो हम खुद कर। प्रूविंग सर आपके सिलेबस में है ही नहीं, प्रूविंग किसी भी चीज की प्रूविंग नहीं है, सिर्फ फार्मूला है, मेथड है और न्यूमेरिकल है, और आपके न्यूमेरिकल ही सब आते हैं। यस सर। यहाँ पे डिफिनीशन भी नहीं आती है, जैसे मैथमेटिक्स फर्स्ट में डिफिनीशन भी रहती है, लेकिन सेकंड वाले में डिफिनीशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं। तो न्यूमेरिकल को लगाने के लिए बस आपको मेथड मालूम। तो अगर ये समझ में आ गया तो आगे बताएं। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आगे बताए बेटा। यस सर। आपको इस पूरे पेज में जो ध्यान रखना है वो दो चीजें, एक तो ये फार्मूला याद रखना है और ये दोनों चीजें। इसमें यह है जैसे साइन एन पाई जीरो होता है, तो मैं ये कह रहा था साइन एन प्लस वन पाई अगर आएगा तो वो भी जीरो होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि एन में वन ऐड कर देंगे तब भी इंटीजर बना रहेगा, और अगर माइनस कर दें तब भी इंटीजर बना रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। वैसे तो मालूम है कि साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, साइन फोर पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस टू पाई, साइन माइनस थ्री पाई, ये सब जीरो होंगे, लेकिन इस टाइप के ज्यादा आते हैं, तो आप उनको देखिएगा। दूसरी चीज ये है कि मान लेते हैं कि जैसे cos n पाई की वैल्यू माइनस वन की पावर n होती, n इवन है तो दिस है और n ऑड है, तो मान लेते हैं लिखा है cos 2n पाई, तो cos 2n पाई है, n के साथ में 2 मल्टीप्लाई है, तो ये इवन हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। और अगर मान लेते हैं लिखा है cos 3n पाई, तो 3n पाई की वैल्यू माइनस वन नहीं होगी, क्यों,
एन आपका नंबर है तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इवन आएगा कोई ऑड आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन की पावर थ्री एन, जिसमें हमको ना मालूम हो वो ये होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है यहां पे। जैसे आपका आ जाए, जैसे आपका आ जाए कॉस एन प्लस वन पाई, अब इसकी वैल्यू एन के बारे में मालूम नहीं है, इवन है ऑड है, तो जिसके बारे में नहीं मालूम होगी उसको ऐसे ही रखेंगे। जैसे मान लेते लिखा है कॉस थ्री पाई, तो थ्री पाई मालूम है थ्री है तो माइनस वन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज न्यूमेरिकल में फिर दोबारा से बताएंगे सर। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। सर बस आज लिखते ही रखिए। यस सर, कल बताइए सर। अब सर कल बताइए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक यस ठीक ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।